कैंसर का इलाज हुआ अब पेनलेस और ऐसा संभव हुआ साइबर नाइफ S7 से। देश की पहली साइबर नाइफ S7 मेरठ के मवाना रोड स्थित वैलेंटाइन कैंसर हॉस्पिटल में मरीजों की सुविधा के लिए स्थापित की गई है। 6 दिन हो गए लेकिन अभी तक यह बड़ा सवाल बना हुआ है कि नगर निगम बोर्ड की बैठक में उस रोड ऐसा क्या हुआ जिस कारण बात कहा सुनी से होते हुए मारपीट तक जा पहुंची। मारपीट के कारणों का खुलासा करने का जिम्मा महापौर हरिकांत आहलूवालिया ने नगर आयुक्त को सौंपा था, लेकिन 5 दिन बाद भी उन्होंने यह कहते हुए जांच करने में असमर्थता जता दी कि उन्हें नगर निगम अधिनियम में इसका अधिकार नहीं है। वहीं कहा सुनी वे मारपीट के दौरान का एक ऐसा वीडियो वायरल हो गया जिसमें हंगामे पर उतारू पार्षद को भाजपा पार्षद संदीप रेवड़ी यह समझाते हुए नजर आ रहे हैं कि महिलाओं पर टिप्पणी न करें। इस दौरान शांत स्वभाव में MLC धर्मेंद्र भारद्वाज को आगे बढ़कर तीनों पार्षद फाजल करीम आसिफ सैफी व रिजवान को कुछ समझाते हुए देखा गया। बकौल धर्मेंद्र वह इन पार्षदों को महिलाओं पर टिप्पणी करने से रोकने की कोशिश कर रहे थे। धर्मेंद्र भारद्वाज का हिंदूवादी नेता चेहरा यहाँ आड़े आ गया और हंगामा बढ़ गया। सभी ने उन्हें अपना निशाना बनाने की कोशिश की। मेज पर खड़े आशीष चौधरी बीच में कूद गए और MLC धर्मेंद्र भारद्वाज को कोहनी मारते हुए नीचे गिराने की कोशिश करते हैं। तभी कुलदीप घोपला भी मेज से कूदते हुए इस बवाल में शामिल होते हुए नजर आए। इसके बाद वहां मारपीट शुरू हो जाती है। इस पूरे प्रकरण में मेरठ लोकसभा चुनाव से पहले ही राजनीतिक दलों को इस भीषण सर्दी में गर्मी का एहसास कराने का मौका दे दिया है। दरअसल नगर निगम में 30 दिसंबर को हुई बोर्ड की बैठक में जमकर हंगामा हुआ था। कहा सुनी वह धक्का मुक्की के बाद वहां जमकर मारपीट हुई। भाजपा की तरफ से दी गई तहरीर पर पुलिस ने अभी तक रिपोर्ट दर्ज नहीं की है, जबकि आशीष के पिता द्वारा दी गई तहरीर पर पुलिस ने अज्ञात में रिपोर्ट दर्ज कर दी। आइए आपको दिखाते हैं वायरल वीडियो। इस वीडियो को गौर से देखेंगे तो दूध का दूध और पानी का पानी होता नजर आएगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट TV। नमस्कार।